क्या हालचाल? स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या गिवन है। यहाँ गिवन अपने पास, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रदर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, तो इनकी जर्नल एंट्री करते हैं। एक एक को पढ़ते रहेंगे और एंट्री करते रहेंगे। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे अपने पास। जर्नल ऑफ किसका जर्नल है ये, जर्नल ऑफ रघुनाथ ब्रदर्स। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट, ये अपने पास फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, रघुनाथ ब्रदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड फर्नीचर। रघुनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया कब, 1 जून। साल कौन सा, 2022, इसे लिखते हैं। साल है 2022, 1 जून। ठीक है, क्या आएगा देखो, बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्ट किया मतलब क्या आएगा बिजनेस में, कैपिटल। कैपिटल किस फॉर्म में आ रही है, यहाँ पे कैश की फॉर्म में, गुड्स की फॉर्म में और फर्नीचर की फॉर्म में। सो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, कैश अकाउंट डेबिट। एक दूसरा अकाउंट डेबिट गुड्स के लिए, उसके लिए मैं अभी स्पेस छोड़ रहा हूं। और क्या था अपने पास, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कितने कितने अमाउंट अपने पास, 80,000 कैश आया। गुड्स कितने अमाउंट के आए, 40,000 के। फर्नीचर कितने का आ रहा है, 20,000 का। और टोटल कैपिटल कितने की हो जाएगी अपने पास, इन सब का टोटल कर लो, 1,40,000। नरेशन लिख लेंगे, बींग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश गुड्स एंड फर्नीचर। अच्छा यहां पे क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या आया, स्टॉक आया, गुड्स आया, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे। देखो वैसे तो हिसाब से तो हमें क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे स्टॉक अकाउंट लिखना चाहिए, लेकिन जो आपकी बुक में सोल्व कर रखा है वो कैसे सोल्व कर रखा है, यहाँ पे परचेज अकाउंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्यों लिखा, जब भी हमारे पास गुड्स आते हैं तो हम एक अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको, किस अकाउंट में, परचेज अकाउंट। जब गुड्स जा रहे हैं तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट में। जब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट। सो उसी बेस पे इन्होंने कैसे सोल्व किया कि जब हमारे पास गुड्स आ रहे हैं तो हम उसे कहाँ लिखे, परचेज अकाउंट। अदरवाइज जब आप आगे एंट्री सोल्व करोगे, जब आप फाइनल, जब आप 31 मार्च को अपने बैलेंस करोगे, सारे अकाउंट्स बनाओगे, लेजर बनाओगे, तो आपका ये 40,000 मिसमैच कर जाएगा। ठीक है, अगर ये परचेज अकाउंट में अगर अभी आपने लिख दिया तब तो ठीक है, अदरवाइज वहां पे आपको दिक्कत आएगी फिर। तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे परचेज अकाउंट में लिख देते हैं कि जितने भी गुड्स आ रहे वो एक ही जगह हो जाए, किस अकाउंट में, परचेज अकाउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या अपने पास, 2 जून को सोल्ड गुड्स टू नंदलाल फॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। गुड्स सेल कर दिए नंदलाल को। सो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, 2 जून को, 2 जून को एंट्री हो जाएगी, हमने गुड्स सेल किए, तो एंट्री आ जाएगी नंदलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब गुड्स जो है उसकी लिस्ट प्राइस है 20,000, सेल किया है 10% डिस्काउंट के ऊपर, तो लिस्ट प्राइस कितनी है अपने पास, 20,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट। यहां से हम क्या माइनस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कितनी अमाउंट है ट्रेड डिस्काउंट की, 10%, तो 10% कितना आ जाएगा 20,000 का, 2,000। मीन्स हमने गुड्स कितनी अमाउंट में सेल किए होंगे, 18,000 में। तो नेक्स्ट एंट्री होगी अपने पास, क्या लिखेंगे, बींग गुड्स सोल्ड टू नंदलाल। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 4 जून को, 4 जून को क्या एंट्री अपने पास, नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000। जो ऊपर हमने गुड्स सेल किए थी वो इसने रिटर्न कर दिए, कितने के, 4,000 लिस्ट प्राइस के। तो जब हमने गुड्स सेल किए थे तो डिस्काउंट लगा था, अब जब गुड्स वापस आ रहे तो भी डिस्काउंट लगेगा,
4000 का 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 400। तो कितने के गुड्स वापस लेंगे हम? 3600 के। ठीक है, सो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट टू नंदलाल। भाई गुड सेल कर रहे उस टाइम डिस्काउंट लग रहा है, तो वो वापस करेगा तो भी तो डिस्काउंट लगेगा। अब वर्ड दोनों में जगह कॉमन यूज किया हुआ, लिस्ट प्राइस एंड लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो कितनी अमाउंट के गुड्स वापस लेंगे हम इनसे? 3600 के, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नंदलाल। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अपने पास 8 जून को, क्या एंट्री यहाँ पे देखो? रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल 14150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मतलब ये तीनों एंट्री कंबाइन होगी, फुल सेटलमेंट कर दिया उसने। क्या कर दिया? फुल सेटलमेंट कर दिया। कितने में? 14150 में। अब हमने जो गुड्स बेचे थे वो बेचे थे 18000 के, वापस लिए कितने के? 3600 के। तो कितने अमाउंट बची उसकी? ये अमाउंट बची 14400। कितनी अमाउंट बची? 14400। लेकिन कितना पे कर रहे हैं वो? 14150। तो हमारे पास कितना कैश आया? 14150। अब जिस साइड कैश उस साइड डिस्काउंट, और डेबिट साइड अगर डिस्काउंट है तो हम क्या लिखते हैं? डिस्काउंट अलाउड टू क्या लिखेंगे? नंदलाल। अमाउंट किससे रिसीव किया हमने? नंदलाल से। एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव करनी है वो करनी है 14400, लेकिन आया कितना? 14150। सो बैलेंस कितना बचा अपने पास? 250। ये क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल एंड डिस्काउंट अलाउड, ये अपने पास नरेशन हो जाएगी। ठीक है, चलो अब करेंगे नेक्स्ट हम। तो पहले फॉर्मेट बना ले, डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, यहां पे मैं वर्किंग कर लूंगा, मेरे को इतनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है। चलो नेक्स्ट एंट्री अपने पास है सेकेंड फोर्थ एट्थ, यहां तक हो गया अपने पास। नेक्स्ट एंट्री अपने पास 10th ऑफ जून को, गुड्स परचेज किए ब्रिज मोहन से कितने के? 10000 के 15% रेट डिस्काउंट पे। तो परचेज किए गुड्स हमने ब्रिज मोहन से कब? 10th ऑफ जून को। 10 ऑफ जून को हमने गुड्स परचेज किए, तो एंट्री क्या आ जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन। कितनी अमाउंट के गुड्स परचेज किए हमने? 10000 लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितनी है? 10000। उसमें से माइनस कर देंगे हम ट्रेड डिस्काउंट। कितने का ट्रेड डिस्काउंट है? 15% का। सो 10000 का 15% कितना आ जाएगा? 1500। मतलब हमने कितनी अमाउंट के गुड्स परचेज किए उससे? 8500 अमाउंट के हमने गुड्स परचेज किए। नरेशन लिख लेंगे, बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम ब्रिज मोहन। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कब अपने पास? 13th को, 13th ऑफ जून को, क्या एंट्री है देखो? रिटर्न गुड्स टू ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1000। हमने क्या किया? गुड्स रिटर्न कर दिए ब्रिज मोहन लिस्ट प्राइस 1000 के। तो जब हमने गुड्स परचेज किए थे ट्रेड डिस्काउंट लगा था, अब जब गुड्स वापस करेंगे तो भी ट्रेड डिस्काउंट लगेगा 15% का। सो 1000 का 15% कितना हो जाएगा? 1500, तो सॉरी 150। तो कितने अमाउंट के गुड्स वापस किए होंगे हमने? 1000 माइनस 150, 850 के हमने गुड्स वापस किए होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? ब्रिज मोहन डेबिट टू क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न। भाई परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारा, 850। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अपने पास 16th जून को, क्या एंट्री है देखो? सेटल्ड द अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाई पेइंग अंडर ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4% का कैश डिस्काउंट आ गया। ठीक है, तो 16th को क्या एंट्री हो जाएगी अपने पास? हमने कैश पे किया, किसे पे किया? ब्रिज मोहन को। तो एंट्री हो जाएगी ब्रिज मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ब्रिज मोहन को एक्चुअली कितना पे करना है और कितना हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे? जिस साइड कैश उस साइड डिस्काउंट, और डिस्काउंट क्रेडिट साइड आ रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, कितनी अमाउंट अपने पास? 8500 का हमने गुड्स परचेज की, 850 के हमने रिटर्न कर दिए। तो नेट नेट कितनी अमाउंट बची उसकी? 7650 बचा। अभी 7650 के ऊपर कितना डिस्काउंट है? 4% का कैश डिस्काउंट है, माइनस कर देंगे 4% कैश डिस्काउंट। तो 7650 का 4% कितना आ जाएगा अपने पास? 306। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 306। तो माइनस कर लेंगे इसको 7650 से, तो कितनी अमाउंट पे कर देंगे उसे हम? 7344। तो डिस्काउंट कितना है? 306, ये लिख दिया हमने डिस्काउंट। कितनी पे कर दिया? 7344। कितना पे करना था एक्चुअली? 7650। तो ये अपने पास नेक्स्ट एंट्री होगी। उसके बाद देखते हैं जून 18 को क्या एंट्री होगी अपने पास। 18 को, जून 18 को हो जाएगा परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल एंड सुनील। ये तो सिंपल ही है,
परचेज अकाउंट डेबिट, नरेशन लिख लोगे ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनील, ये तो सिंपल ही। कितनी कितनी अमाउंट है, 5,000 एंड 10,000, 5,000 एंड 10,000 कितने गुड्स परचेज कर लिए हमने, 15,000 के। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल सुनील बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल एंड सुनील, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री कब आएगी, 19th जून को, पेड कैश टू अनिल एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश पे कर दिया अनिल को, तो कैश पे किया तो कैश गया, तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और साथ में क्वेश्चन यहाँ तो खुद ही बोल दिया डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और डेबिट क्या हो जाएगा अपने पास, किसे पे कर रहे हैं हम, अनिल को, तो अनिल डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना कैश पे किया हमने, क्वेश्चन ने खुद ही बोला है 1900 का, 100 का क्या अपने पास डिस्काउंट रिसीव्ड, तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2000, ठीक है। ये नेक्स्ट एंट्री होगी, 19 तक हो गया, 20, अभी चार एंट्री और करनी है हमें, तो देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट कर लेते पहले। डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट एंड क्रेडिट, सो नेक्स्ट एंट्री कौन सी डेट को आएगी अपने पास, 20th जून को, 20 जून को क्या एंट्री आएगी अपने पास, 20 जून को एंट्री आएगी अपने पास, पेड 982 सुनील, सुनील को कितनी पेमेंट कर दी हमने, 9800, हमने उससे गुड्स परचेज किए थे कितने के, 10,000 के, कितना पे कर रहे हैं हम उसको, 9800, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, सुनील डेबिट, पे करेंगे तो कैश क्रेडिट होगा, अब जिस साइड कैश उस साइड डिस्काउंट, क्रेडिट साइड कैश है तो क्रेडिट साइड डिस्काउंट, और क्रेडिट साइड डिस्काउंट को हम क्या लिखते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। कितनी अमाउंट है अपने पास, 9800 की हमने पेमेंट की, 9800 की हमने पेमेंट की, सुनील को कितना पे करेंगे, 10,000 की हम पेमेंट करेंगे, और 200 का क्या आ जाएगा अपने पास, डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा, बीइंग कैश पेड टू सुनील एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अगेन 20 जून को है, क्या एंट्री अपने पास, बोट ए टेबल फैन 48,000 फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ, रघुनाथ के डोमेस्टिक यूज के लिए हमने क्या किया, टेबल फैन परचेज किया, डोमेस्टिक यूज पर्सनल यूज कौन सा अकाउंट आएगा, ड्रॉइंग अकाउंट, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने में परचेज किया हमने, 8,000 रुपीज में। अब नरेशन लिख लेंगे, नरेशन क्या आ जाएंगी, बीइंग टेबल फैन परचेज फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ रुपीज 8,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री कौन सी डेट को आएगी अपने पास, 25th जून को, क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट, हमने गुड्स सेल कर दिए 25th जून को, हमने गुड्स सेल किए, कितनी अमाउंट है, 8,000 लिस्ट प्राइस है, गुड्स सेल किए, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, जिस साइड कैश उस साइड डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ क्या बोला हुआ है, कैश डिस्काउंट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा क्या गिवन है क्वेश्चन में, लिस्ट प्राइस कितनी है, 8,000, लिस्ट प्राइस कितनी है, 8,000, 8,000 रुपए की लिस्ट प्राइस है। इसमें से माइनस करेंगे सबसे पहले टीडी ट्रेड डिस्काउंट कितने का, 10% का, तो 10% का टीडी कितना हो गया, 800 रुपए का, तो अमाउंट कितनी बनी, 7,200, इस अमाउंट को उठा के सेल्स के आगे लिख देंगे, माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट कितने परसेंट है, कैश डिस्काउंट 3%, तो 3% कैलकुलेट कर लेंगे 7,200 का, ये आ जाएगा अपने पास 216, कितने का आ गया, 216, ये अमाउंट लिख लेंगे कैश डिस्काउंट के आगे, 7,200 से माइनस कर लेंगे 216, अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, 6,984, मतलब हमने कितने में गुड्स बेचे, 6,984 में आफ्टर कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये एंट्री होगी बीइंग गुड्स सेल डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट एंट्री 30th जून को क्या हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगा पेड रेंट, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, पेड ट्रेवलिंग एक्सपेंस, एक ही एंट्री कर ले, सो एंट्री आ जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट, यही तीन आइटम थे, टू कैश अकाउंट, कितनी कितनी पेमेंट की, रेंट की पेमेंट की हमने 8,000, ट्रेड एक्सपेंस 7,000 और ट्रेवलिंग 3,800, 7,000 और 3,800 इन सब का कर लेंगे टोटल, ये आ जाएगा 18,800 और अपने पास हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब बस एक काम बचा है टोटल, और यहाँ पे नरेशन लिख लेना बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, टोटल करेंगे तो टोटल डेबिट साइड का करें या क्रेडिट का, एक ही बात है, सो अपने पास आ जाएगा 1,40,000 प्लस 18,000 प्लस 3,600 प्लस
14400, 8500, 850, 7344, 306, 5000, 10000, 2000, 10000, 8000, 7200 एंड 18800 टोटल आ रहा है अपने पास 2,54,000। यहाँ लिख लेंगे 2,54,000 और डबल लाइन लगा लेंगे टोटल के नीचे। ठीक है, ये हो गया अपने पास आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्या क्या गिवन है यहाँ पे, 2023 मार्च 5 को करना, सोल्ड कर दिए गुड्स हमने सुरुति को 80,000 के, 15% रेट डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट रिसीव, 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू ए चेक। काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद परचेज किए गुड्स रिचार्ज से 60,000 के, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट 60% अमाउंट पेड बाई चेक इमीडिएटली। चलो देखते हैं, पहले इनकी वर्किंग कर ले दोनों की। सो 5 मार्च वाली एंट्री की वर्किंग कर रहे हैं पहले हम। क्या गिवन है, गुड्स सेल की हमने कितने के, 80,000 के, तो लिस्ट प्राइस कितनी है अपने पास, 80,000। उसके ऊपर टीडी कितना काट दिया हमने, ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो 80,000 का 15% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 12,000। सो सेल प्राइस कितनी होगी अपने पास यहां पे, ये आ जाएगा 68,000। सेल प्राइस आ गई 68,000 की। चलो 68,000 की सेल्स प्राइस आ गई। उसके बाद 4% कैश डिस्काउंट है, लेकिन कैश डिस्काउंट तो तब लगेगा ना जब या तो हम कैश पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो। तो क्या हमें कैश रिसीव हुआ, हाँ रिसीव हुआ। कितना रिसीव हुआ, लेकिन 75%। सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितने की होगी, क्रेडिट सेल्स कितने की होगी अपने पास, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, अगर 75% हमने रिसीव किया तो 25% क्या उधार है। भाई क्वेश्चन ने बोला ना कि 75% 75% अमाउंट हमने रिसीव कर ली, तो बाकी 25% क्या उधार है वो। तो 68,000 का 25% कितना आ जाएगा अपने पास, 17,000। ये तो होगी उधार। ठीक है, उसके बाद कैश सेल्स हमने कितना किया होगा, एट द रेट 75%, 75% किसका, 68,000 का। तो 68,000 का 75% कितना आ जाएगा अपने पास, 51,000। इस 51,000 के ऊपर हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, कैश डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट। भाई जब कैश में बेचेंगे तभी तो कैश डिस्काउंट लगेगा 4% का। तो 51,000 का 4% कितना आ जाएगा अपने पास, 2040। कितना आ जाएगा, 2040, और 51,000 से माइनस कर देंगे 2040, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 48,960। ये क्या आ जाएगा अपने पास, कितना हम कैश रिसीव करेंगे, थ्रू चेक आ रहा है तो बैंक आ जाएगा, फिर बैंक में कितनी अमाउंट आ रही है, 48,960। ये कर लिया, इसकी एंट्री कर ले। जर्नल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे हम लिख लेंगे जर्नल ओनली। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट। मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा क्योंकि दो ही एंट्री, फॉर्मेट की कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग कर लेना। 5 मार्च को 2023, 5th of March को क्या एंट्री हमने, गुड्स सेल किए, गुड्स हमने सेल किए श्रुति को, तो एंट्री क्या होगी, श्रुति डेबिट। कैश सॉरी बैंक में हमने कुछ अमाउंट रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ डिस्काउंट अलाउ कर दिया हमने, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। टू हमने क्या किया, सेल्स किया, तो हमने वर्किंग में देख लिया सेल्स की अमाउंट कितनी है, 68,000, तो सेल्स में लिखेंगे 68,000। उधार में कितना गया, 17,000, तो शुरुआती के आगे कितनी अमाउंट आ जाएगी, 17,000। डिस्काउंट कितने का, 2040, तो जो अमाउंट हमने बैंक में रिसीव की वो कितने की, 48,960। ठीक है, तो ये अपने पास एंट्री होगी श्रुति डेबिट एट द रेट 25%। क्या था अपने पास, क्रेडिट की एंट्री, 75% क्या थी, बैंक की एंट्री। तो ये दोनों मिला के होगी 75%, 75%, और ये अकेली कितनी अपने पास, 25%। ठीक है, तो 68,000 का 25% उधार हो गया, 75% अपने पास क्या हो गया, कैश हमने रिसीव कर लिया सॉरी बैंक में आगे अमाउंट चेक से, और उसके ऊपर क्या लगा लिया हमने, डिस्काउंट लगा लिया कितने का, 4% का। ठीक है, फर्स्ट एंट्री होगी बीइंग गुड सेल एंड डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 10th of March को क्या क्या गिवन है। देखो हमने गुड्स परचेज किए रिचार्ज से 60,000 के, तो 10th of March की एंट्री करेंगे अब हम।
हमने गुड्स परचेज किए, तो लिस्ट प्राइस कितनी है गुड्स की जो हमने परचेज किए? 60,000। उसके ऊपर माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट टीडी कितने का, 10% का, तो 10% टीडी से अमाउंट कितनी होगी? 6,000। तो परचेज प्राइस कितना हो गया हमारे पास? एक्चुअल परचेज प्राइस हो गया 54,000। उसके ऊपर कैश डिस्काउंट आ गया कितने का? 5% का। लेकिन कैश डिस्काउंट तो तब आएगा, या तो कैश आए या तो कैश जाए, यहाँ कैश जाएगा। 60% ही हमने अमाउंट पे किया। अगर 60% हमने अमाउंट पे की तो क्रेडिट कितना परचेज किया हमने फिर? 40%। भाई 60% अमाउंट आई तो 40% उधार है। 54,000 का हम कैलकुलेट कर लेंगे, 40% कितना आ जाएगा? 21,600। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 21,600 आ गया अपने पास क्रेडिट परचेज। अब हमने कैश परचेज कितना किया या फिर बैंक से कितना परचेज किया हमने? 54,000 का 60% कितनी अमाउंट आ जाएगी? 32,400। इसमें से काट देंगे हम कैश डिस्काउंट। कितने का कैश डिस्काउंट कटेगा? 5% का। सो 32,400 का 5% डिस्काउंट कितना आ जाएगा अपने पास? 1,620। सो नेट नेट कितनी अमाउंट पे करेंगे अब हम? 30,780। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 3780 अमाउंट पेड। ठीक है, ये अपने पास वर्किंग्स हो गई, हमने क्वेश्चन से पहले वर्किंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। एंट्री कौन सी तारीख को है? 10 मार्च को। क्या एंट्री अपने हमने गुड्स परचेज किए, तो परचेज अकाउंट डेबिट। ये गुड्स हमने किससे परचेज किए? रीचा से। टू रीचा, टू बैंक अकाउंट, बैंक से हमने कुछ पे किया और साथ में कुछ डिस्काउंट आया, क्रेडिट साइड डिस्काउंट को हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने कितना डिस्काउंट रिसीव किया? अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे लाइंस लगानी है तो लाइन से लगा लेते हैं। ये आ जाएगी एक। वैसे तो इस क्वेश्चन में कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं इसकी, ठीक है। देखो उसके बाद नेक्स्ट, अब हम अमाउंट लिखते हैं। अमाउंट क्या क्या आ जाएगी? परचेज में कितना आया अपने पास? 54,000। कितनी अमाउंट आई? 54,000 आ गया परचेज में, ठीक है। रीचा के कॉलम में कितनी अमाउंट आएगी? क्रेडिट कितना है? 21,600 क्रेडिट है, यहाँ आ जाएगा 21,600। बैंक से कितना पे किया हमने? 3780। और डिस्काउंट कितने का आ गया अपने पास? 1,620 का आ गया डिस्काउंट, ठीक है। सो ये होगी अपने पास एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू रीचा, टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अमाउंट आगे 54,000, 21,600, 3780 एंड 1,620। अब हम कर लेंगे टोटल इसका, और टोटल आ जाएगा अपने पास 54 प्लस 68, 1,22,000। ठीक है, ये हो गया आंसर अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी काफी टाइम जाएगा। देखो 2023 6 जनवरी को परचेज किए गुड्स हमने हेनरी से 50,000 के, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, 60% अमाउंट पेड बाई चेक। तो डायरेक्ट कर दूं मैं इसको या वर्किंग करके दिखाऊं? चलो वर्किंग कर लेते हैं, फिर आप लोगों का कमेंट आएगा सर समझ नहीं आया। सो वर्किंग में क्या होगा देखो, सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे 6 जनवरी वाली एंट्री की, 6 जनवरी वाली की। क्या किया हमने? गुड्स परचेज किए। सो लिस्ट प्राइस लिखते हैं सबसे पहले। लिस्ट प्राइस कितनी अपने पास? 50,000। इसमें से काट देंगे टीडी। ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट का टीडी है? 10% का। कितना टीडी कट जाएगा? 5,000 रुपीज का। कितनी अमाउंट बचेगी? 45,000। ये क्या आ जाएगा अपने पास? परचेज प्राइस, ठीक आ गया। अब इसके ऊपर कितना? 60% अमाउंट पे हो गई चेक से, तो 40% क्या? उधार है। तो क्रेडिट की एंट्री कितनी हो जाएगी? एट द रेट 40%। तो 45,000 का 40% कितनी अमाउंट हो जाएगी? 18,000, ठीक है। उसके बाद कैश कितनी ट्रांजेक्शन हुई? कैश या फिर बैंक, एक ही बात है, 60%। तो कितनी अमाउंट हुई? 45,000 का 60% कितना हो जाएगा? 27,000। इस 27,000 के ऊपर डिस्काउंट कितना आया अपने पास? 4% माइनस कैश डिस्काउंट एट द रेट 4%। सो 27,000 का 4% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 1,080। तो फाइनल अमाउंट कितनी हमने पे की होगी? अमाउंट पेड कितनी आई होगी अपने पास? 27,000 माइनस 1,080, ये अमाउंट आ रही होगी 25,920। 25,920, ठीक है, ये आ गई अपने पास फर्स्ट। ऐसे हम मैं चारों एंट्री इसी पेज के ऊपर करा दूंगा आपको। चलो अब फॉर्मेट बना ले। जर्नल किसका ही है? किसी का कॉमन ही है, तो यहां पे सिर्फ जर्नल लिख के छोड़ देंगे।
डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। वर्किंग्स करने के बाद बेनिफिट ये है कि एंट्री करना थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, अदरवाइज अगर आप कहो तो मैं डायरेक्ट एंट्री बता देता हूँ कैसे करते हैं। ये एंट्री अपने पास है 6th of Jan को, 6th of Jan को क्या एंट्री हमने क्या की, गुड्स परचेज किए थे। किससे परचेज किए थे हमने गुड्स? हेनरी से। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू हेनरी, टू हमने पेमेंट की थी किससे, चेक से, तो टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंटर, क्रेडिट साइड डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, परचेज प्राइस कितना है 45,000, या लिख लेंगे 45,000। उधार में कितनी अमाउंट है 18,000, या लिख देंगे 18,000। डिस्काउंट कितना आया 1080, तो अमाउंट कितनी फाइनली पे की हमने 25,920। सो एंट्री क्या हो जाएगी, नेक्स्ट लिख लेंगे बिंग गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज अकाउंट डेबिट 45 टू हेनरी 18 टू बैंक 25,920 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1080। ठीक है, ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यहाँ की हमने जनवरी 15 बोट गुड्स फ्रॉम अमित फॉर 2 लाख एट टर्म्स ऑफ 5% कैश डिस्काउंट 20% ट्रेड डिस्काउंट पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। यहाँ पे भी परचेज का ही चल रहा है 15th of Jan। सो लिस्ट प्राइस क्या बनी अपने पास, सबसे पहले यही लिखेंगे लिस्ट प्राइस कितनी है। लिस्ट प्राइस अपने पास है 2 लाख रुपए की लिस्ट प्राइस, माइनस करेंगे यहां से ट्रेड डिस्काउंट, कितने का ट्रेड डिस्काउंट अपने पास 20% का। सो 2 लाख का 20% कितना आ जाएगा 40,000। अमाउंट कितनी बनी 1,60,000। तो ये क्या आ गया अपने पास परचेज प्राइस 1,60,000 का। अब क्रेडिट कितनी है अपने पास, क्वेश्चन ने बोला कि 3/4 अमाउंट आई कैश में, तो 3/4 अगर कैश में आया तो 1/4 कैसे आया होगा फिर अपने पास क्रेडिट में। 160 डिवाइडेड बाय 1/4 कितनी अमाउंट हो जाएगी, उधार अपने पास 40,000। देखो टोटल अमाउंट 1 है, 1 - 3/4 कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, 4 - 3 कितना आ जाएगा अपने पास 1/4। तो क्रेडिट अमाउंट कितनी आई होगी अपने पास 1/4 ऐसे। ठीक है चलो आगे देखते हैं। तो क्रेडिट अगर इतना है तो पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम इसको, पेमेंट कैसे कर रहे हैं कैश में, तो कैश कितना आया अपने पास एट द रेट 3/4। सो 1,60,000 का 3/4 कितना आ जाएगा 1,20,000, माइनस कर लेंगे हम यहाँ से कैश डिस्काउंट, कितना आ जाएगा कैश डिस्काउंट अपने पास 5% का, तो 5% कितना हो जाएगा 1,20,000 का 5% 6,000, कितना आ जाएगा 6,000। तो हमने कितनी अमाउंट पे की होगी 120 - 6 1,14,000 की हमने अमाउंट पे की होगी। अभी होगी सारी वर्किंग, एंट्री पास कर लेते हैं। कौन सी डेट को एंट्री अपने पास 15th Jan को, सो एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज की गुड्स हमने अमित से, टू अमित टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सो गुड्स का परचेज प्राइस कितना है अपने पास 1,60,000, तो यहाँ लिखेंगे 1,60,000। अमित क्रेडिट कितना है 40,000, यहाँ लिख देंगे अमित के आगे 40,000। कैश कितना पे कर दिया हमने 1,14,000, यहाँ आ जाएगा 1,14,000। एंड डिस्काउंट कितना आया था अपने पास 6,000 का आया था डिस्काउंट, यहाँ लिख लेंगे डिस्काउंट 6,000। तो ये एंट्री हो जाएगी, नरेशन लिख लेंगे बींग गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड एंड डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, जैसे भी लिखना हो लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जनवरी 18 को क्या है, देखो सोल्ड गुड्स टू शेरपा एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 20% ट्रेड डिस्काउंट 4% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 7 डेज। कैश डिस्काउंट कब मिलेगा, जब अगर वो पेमेंट कर दे 7 दिन के अंदर अंदर। उसने 75% पेमेंट कर दी कब, 23rd of January को, तो 18th Jan को हमने किया था, हमने 7 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया था उसके, अगर 7 दिन में पेमेंट कर दोगे आप तो 4% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो 18th + 7 18+7 मतलब कि उसको 25 जनवरी तक पेमेंट करनी थी, लेकिन उसने पहले ही कर दी तो वो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा 4% का। ठीक है, तो पहली एंट्री तो ये बनेगी अपने पास। अब हमें यहाँ पे दो अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी, ये एंट्री एक हो जाएगी यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इतनी, और उसके बाद वाली एंट्री हो जाएगी डिफरेंट। तो पहले जनवरी 18 की एंट्री कर लेते हैं।
18 जनवरी की एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, हमने क्या किया गुड्स सेल किए शेरपा को 50,000 के 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो एंट्री क्या आ जाएगी शेरपा डेबिट टू सेल्स, शेरपा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट में गुड सेल करेंगे 50,000 में से माइनस कर देंगे 20%, तो डायरेक्ट कर ले इसको, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, काफी एंट्री कर चुके हम 40,000 एंड 40,000, हमने क्या किया 50,000 लिस्ट प्राइस से 20% ट्रेड डिस्काउंट काट दिया, तो अमाउंट कितनी आ गई 40,000। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी अपने पास शेरपा डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड सोल्ड टू शेरपा, उसके बाद उसने 23 जैन को पेमेंट कर दी, तो नेक्स्ट एंट्री कब होगी 23 जैन को, क्या होगी अपने पास उसने पेमेंट कर दी किससे चेक से, तो चेक आ रहा है हमारे पास, चेक को हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि उसी दिन हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, भाई यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है इस चेक से रिलेटेड कि ये चेक बैंक में कब जाएगा, तो हम क्या मान रहे हैं कि आज ये चेक बैंक में गया, आज ही हमारा बैंक बढ़ जाएगा, ठीक है। 75% रिसीव्ड बाई चेक ऑन 23 जैन, तो एंट्री क्या आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू शेरपा। अब देखो कितनी अमाउंट आएगी, टोटल अमाउंट कितनी है 40,000, 40,000 का 75% कितना हो जाएगा 30,000, तो शेरपा से एक्चुअल में कितनी अमाउंट रिसीव करनी थी 30,000, लेकिन डिस्काउंट लग गया कितने का 4% का, तो -4% डिस्काउंट 1200 का हो गया डिस्काउंट अपने पास, तो 30,000 माइनस 1200 कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 28,800 की हम अमाउंट रिसीव कर लेंगे बींग गुड्स सोल्ड टू शेरपा एंड अमाउंट रिसीव्ड, बींग गुड सोल्ड टू शेरपा यहाँ आ जाएगा, बींग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेरपा एंड डिस्काउंट अलाउड नरेशन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अभी भी बचा हुआ क्वेश्चन, काफी टाइम लगता है इन क्वेश्चन में, दिखते ही छोटे हैं ये। 25 जैन को सोल्ड कर दिया हमने गुड्स गरिमा को 1,00,000 के, अलाउ कर दिया ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड 5% कैश डिस्काउंट, कब लगेगा अगर वो पेमेंट कर दे 15 दिन के अंदर अंदर, तो 25 जनवरी में 15 दिन अगर हम जोड़ दें तो 6 दिन जनवरी के और 9 फेब के, तो मतलब 9 फेब से पहले इसको पेमेंट करनी है, कब 9 फेब से पहले पेमेंट करनी है अगर इसको ये 5% डिस्काउंट चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद सी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन 5 फेब, मतलब कि इस कैटेगरी में आ गई, एंड 60% ऑफ द रिमाइंडर ऑन 15 फेब इन कैश, तो इसके ऊपर तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि 9 फेब तो जा चुकी है। सो अगेन क्वेश्चन तीन पार्ट में टूट जाएगा हमारा, फर्स्ट गुड्स सेल किए 20% ट्रेड डिस्काउंट आया 25 जनवरी को, एंट्री करते हैं 25 जनवरी को गुड्स हमने सेल किए, तो किसको सेल किए गुड्स हमने गरिमा को, तो एंट्री क्या हो जाएगी गरिमा डेबिट टू सेल्स, गरिमा डेबिट टू सेल्स, कितनी अमाउंट के गुड्स सेल किए 1,00,000 के गुड्स 20% का ट्रेड डिस्काउंट, तो डायरेक्ट लिख ले 80,000, ये हमने गुड्स सेल कर दिए। उसके बाद उसने कुछ पेमेंट की 5 फेब को, 5 फेब को वो पेमेंट कर रही है, कितनी पेमेंट कर रही है, पेमेंट कर किससे रही है, और वो चेक से पेमेंट कर रही है, तो चेक से पेमेंट की तो हम क्या मानेंगे ये पैसा सीधा ही बैंक में चला जाएगा उसी दिन ही, और 5 फेब 9 फेब से पहले आ रहा है तो डिस्काउंट भी अलाउ कर देंगे हम उसको, टू क्या आ जाएगा अपने पास गरिमा, तो 80,000 का कितना पे कर रही है वो 1/4 पे कर रही है, कितना 1/4 पे कर रही है, तो 80,000 का 1/4 कितना हो जाएगा 20,000, इस 20,000 के ऊपर कितना डिस्काउंट है 5% का, 20,000 का 5% डिस्काउंट हो जाएगा 1,000 रुपए, मतलब हम नेट कितनी अमाउंट रिसीव करेंगे 19,000 में, और ये अमाउंट कहाँ चली जाएगी बैंक में, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ठीक है। नरेशन कैसे भी लिख लो इससे रिलेटेड लिख लो। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि 60% रिमाइंडर, जो 60% ऑफ द रिमाइंडर, ध्यान देना वर्ड रिमाइंडर, देखो उसकी अमाउंट कितनी है टोटल 80,000, 80,000 में से 20,000 वो दे चुकी, बैलेंस कितना बचा 60,000, 60,000 का 60% आएगा, 60,000 का 60% आएगा। अब ये डेट कौन सी है अपने पास 15 फेब, मतलब 9 फेब के बाद है, तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो सिंपल एंट्री कर लेंगे हमने अमाउंट रिसीव कर ली कौन से डेट को 15 फेब को अमाउंट रिसीव की, और किस में रिसीव की कैश में, सो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा, इसका 60,000 का 60% कितना आ जाएगा 36,000 हो गया कंप्लीट, टोटल कर लेंगे अपने पास आंसर आ जाएगा, टोटल करते हैं
ये आ जाएगा 45,000, 1,60,000, 40,000, 30,000, 80,000, 20,000, 36,000, ये यार अपने पास 4,11,000। ठीक है, ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।